सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक जाणीवेतून फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. हाथरस घटनेतील आरोपींना फाशी देऊन पीडितेला न्याय द्या. ऍडव्होकेट जयश्रीताई शेळके. उत्तर प्रदेश मधील हाथरस येथील एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्याची अमानवीय घटना घडली. 15 दिवस दवाखान्यामध्ये मृत्यूशी झुंज देत पीडित मुलीने शेवटी आपली जीवन यात्रा संपवली. या दरम्यान पोलीस प्रशासन तसेच उत्तर प्रदेश सरकारकडून पीडितेला न्याय देण्यासाठी आरोपींवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. या उलट आरोपींना शोधून त्यांना जेरबंद करण्याऐवजी स्थानिक प्रशासनाकडून पीडित मुलीच्या कुटुंबावर दबाव टाकण्यात आला आणि मध्यरात्री त्या मुलीवर कुटुंबियांना विश्वासात न घेता अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची अजून एक निंदनीय घटना समोर आली आहे. या अत्यंत दुर्दैवी घटनेचा सरचिटणीस महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी तथा सदस्य जिल्हा परिषद ऍडव्होकेट जयश्रीताई शेळके यांच्या वतीने निषेध नोंदवण्यात आला. हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो घटना हुई, इसमें पीड़िता को जिस तरह से क्रूरता से मारा गया, उस पर अत्याचार किया गया और साथ ही में स्थानिक प्रशासन ने उसकी जो अर्जी थी वो भी दर्ज नहीं की और ना ही उसे किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई. तो यह घटना बहुत निंदनीय है. हम सारी महिला कांग्रेस की ओर से इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और साथ ही हमारी मांग है कि इस घटना में जो भी गुनहगार लोग हैं उनको बिना विलंब किए जल्द से जल्द फांसी की शिक्षा वहां पर होनी चाहिए ताकि इस घटना से दूसरे लोग सीख सके और महिलाओं की ओर आँख उठाकर ना देख पाए. घटनाएँ घटती जा रही है, वही बता रही है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है. उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन जो कुछ घटनाएं घटती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचारों की हो चाहे फिर बाकी हत्याओं की हो, गुनहगारी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में. तो जाहिर सी बात है कि इन सभी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री और देश के पंत प्रधान इन्होंने भी इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पद का इस्तीफा देना ही चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है. जब ये सत्ता पे आने वाले थे तो इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार. तो अब बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार आप ये कह के घोषणा दे के महिलाओं के मत तो इन्होंने बांट लिए, उनके वोट तो समेट लिए, लेकिन आज महिलाओं पे अत्याचार जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में ये लोग बात ही नहीं कर रहे, ना कि देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ कह रहे हैं और ना ही यूपी के मुख्यमंत्री इस बारे में कह रहे हैं. जब मीडिया ने ये बात सामने आई, जब स्थानीय लोगों में से ये बात सामने आई, तब जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दो दिन पहले उसके ऊपर बात करें. और जिस तरीके से यूपी में इस घटना में पीड़िता के जो डेड बॉडी है वो जिस तरीके से उसके परिवार के पास ना सौंपते हुए जिस तरीके से उसको जलाया गया, अंतिम संस्कार जिस तरीके से किया गया, ये सब बातें सामने लाती है कि इसमें कुछ ज़रूर उनको आरोपियों को बचाने का उनका या वहाँ पर उनके दिल में है कि आरोपियों को बचाए. तो ऐसा ना करते हुए हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की शिक्षा होनी. उत्तर प्रदेश मधील हाथरस येथील मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचा गांभीर्याने विचार करून मानवतेला काळिंबा फासणारे कृत्य करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी सरचिटणीस महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी तथा सदस्य जिल्हा परिषद ऍडव्होकेट जयश्रीताई शेळके यांनी माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याकडे, माननीय जिल्हा अधिकारी तसेच माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्फत निवेदन देऊन केली. यावेळी निवेदन देताना सौ नंदिनी टारपे, सौ अर्चना राजेंद्र शेळके, सौ अर्चना अरुण शेळके, सौ अनिता गजानन गायकवाड, सौ अलका विष्णू धनदर, सौ वर्ष दिलीप खरात, सौ भारती देवानंद ताटे, सौ लता गणेश बाहेकर, सौ सुनीता संदीप साळवे, सौ स्मिता किरण वराडे, सौ सोनाली अनिल वाघ, सौ दीपाली सतीश राजपूत, सौ मीनाक्षी संजय देशमुख, स्वाती मधुकर साबळे, उषा समाधान डोंगरे, रंजना गजानन कुसळकर, पूजा गाडगे, संगीता सोनोने, शीतल सावळे यांच्यासह अनेक महिला उपस्थित होत्या. प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा.